हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं पाइप एंड टंकी। इससे पहले मैं पाइप एंड टंकी का आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, पूरा कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है। और इससे जो पहली वीडियो मिली थी, मैंने उसमें आपको कहा था कि मैं उसी टाइप के और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कल लास्ट में कराया था। तो आई होप वो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। तो आपने कहा ए किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। आगे हमें बोला है तथा बी इसे 10 मिनट में भर सकता है। हमने कहा जो बी है वो इसे 10 मिनट में भर सकता है। इन दोनों के साथ एक निकासी नल लगाया जाए तो टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती है। तुमसे बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये सी है यहाँ पर निकासी नल, अगर इसे लगाया जाता है तो टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती है। अब देखिए, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट लिख ले रहे हैं। क्या लिख लेते हैं, 120 मिनट 2 घंटे में खाली हो जाती है। तो हमसे पूछा टंकी की धारिता क्या होगी यदि निकासी नल 7 लीटर पर मिनट पानी निकालता है। कितना निकालता है वो, 7 लीटर पर मिनट पानी निकालता है। अब हमें ये गिवन है तो हम क्या करते हैं, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे हिसाब से निकासी नल की क्षमता क्या है, क्योंकि क्षमता तो दे रखी है 7 लीटर पर मिनट। तो हमने कहा चलिए पहले लेते हैं इनका एलसीएम। तो आपको पता है 120 ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 15 से 120 कट जाता है, 10 से तो कट ही जाता है और 120 से भी कट जाता है। तो आपने कहा 15 8 120, यानी कि 8 लीटर पर मिनट पानी भर रहा होगा, और ये 12 लीटर पर मिनट, और ये कितना हो जाएगा, 120 से 120 और कट जाएगा, तो ये 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से निकाल रहा होगा। तो आप ये बताओ, ये 8 और ये 10 12 और 8 20 20 लीटर ये भर रहे थे, तो यहाँ खाली कैसे हो रहा है। तो आप कहोगे वो 21 लीटर निकाल दे रहा होगा, तभी तो 1 लीटर और निकाल पा रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशेंसी है वो कितनी है, आप कहोगे -1 है। और आपको पता है कि जो ए और बी की है, ए और बी की कितनी है, 12 और 8 20। तो आपने यहाँ पर 20 प्लस सी जब लिखोगे तो -1 ये है, ये 20 उधर जाकर खुद माइनस हो जाएगा। तो सी बराबर -1 और -20, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 1, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। तो आपको पता चला कि जो सी की इफिशेंसी है वो 21 लीटर पर मिनट है। क्यों है मिनट में, यहाँ पर सब कुछ मैंने मिनट में कन्वर्ट कर रखा है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर 2 घंटे दिया हुआ था, उसे मैंने 120 मिनट लिखा हुआ है। तो हमारे पास आ गया सी की, अभी देखिए जो माइनस है वो डिनोट करता है कि ये निकाल रहा है। तो आप ये बताओ कि मेरे हिसाब से निकाल रहा है 21 लीटर पर मिनट, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है 7 लीटर पर मिनट निकाल सकता है। तो देखिए यहाँ पर लीटर पर मिनट से लीटर पर मिनट कट जाएगा, और एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 7/21, 7 × 7 7 × 7 = 21, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। आप ये बताओ आपके हिसाब से टंकी कितनी आ रही थी, 120 लीटर। तो मैंने जैसे 120 लीटर की वैल्यू निकाली तो आप कहोगे 120/3 कितना हो जाएगा, ये 40 लीटर, यानी कि जो टंकी की धारिता होगी वो कितनी होगी, 40 लीटर। आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में सेम क्वेश्चन यही कराया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ऐसे ही और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक छिद्र भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमने कहा एक छिद्र है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपने लिख दिया 8 घंटे, लिख लो आप यहाँ पर, और छिद्र को हम कैपिटल एस से दिखा देते हैं, होल होता है। आगे बोला हुआ है यदि इसके साथ एक भरने वाला पाइप और लगा दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। अब देखिए 12 घंटे में हो, अभी भी खाली रही है, कब, जब एक नल लगा दिया गया, एक नल लगा दिया गया। तो हमें बताना है टंकी की धारिता कितनी होगी यदि आपका जो पाइप भरने वाला है वो 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें भर रहा पानी, 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से वो भर रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है अभी। तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपको 24 आ जाएगा। तो 8 × 3 = 24, ये खाली कर रहा है तो आप इसे माइनस में लिख सकते हैं, वरना आपको ये बात याद रखनी होती है कि माइनस में है ये। तो 12 × 2 = 24, ये भी माइनस में है, यहाँ पर भी खाली हो रहा है। तो आप ये बताओ, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो आप ये कह सकते हो कि ए प्लस एच की जो इफिशियंसी है वो तो -2 है, और अकेले एच की कितनी है, आप कहोगे -3। तो आपने यहाँ -3 लिखा, यहाँ पर आ गया -2, ये -3 उधर जाकर ऐड हो जाएगा। तो आप कहोगे -2 प्लस 3
ए बराबर कितना आ गया आपको, पॉजिटिव 1, यानी कि ये 1 लीटर पर घंटे के हिसाब से निकाल रहा होगा, निकाल रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे में दे रखा है, तो आपको भी ये 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब, सॉरी भर रहा होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो भर रहा होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना दे रखा है, 6 लीटर पर मिनट, तो आपने कहा 1 लीटर पर घंटे के हिसाब से ये भर रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये 6 लीटर पर मिनट, तो मैंने बताया था ये मिनट है, आप इसे क्या करोगे 60 से डिवाइड करके घंटे में कन्वर्ट करोगे, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 60 की मल्टी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन में कराता हूँ। तो ये 1 लीटर पर घंटे के हिसाब से था, तो यहाँ ये 6 लीटर प्रति घंटा हो जाएगा अगर मैं इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप इससे इसको काट सकते हो, तो एक वैल्यू की कितनी आ गई, 6 6 36, 360, कितनी आ गई आपकी 360 वैल्यू। हमें निकालनी कितने की है, आप कहोगे हमें निकालनी है 24 लीटर की, तो आप क्या कर दोगे इसमें 24 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 360 गुणा 24, आप इसकी गुणा करके देख सकते हैं 8640 लीटर आ जाएगा, तो आप कहोगे 8640 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो टंकी होगी वो कितने लीटर की होगी, 8640, गलत लिख दिया, 8640 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को आई होप आप कर लेंगे। अब चलिए और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बी सी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, ए बी सी यानी कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो ए प्लस बी प्लस सी है वो कितने घंटे में, 6 घंटे में से भर दे रहे हैं। आगे हमें बोला हुआ है 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे तक ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद सी को बंद कर दिया गया है, तो जो शेष पानी बचता है यानी कि जो शेष पानी आपका बचा हुआ है उसे ए और बी 8 घंटे में भरते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर बात हो रही है पहले 2 घंटों की, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, यानी कि वो 6 लीटर की हमने क्या मान ली टंकी रही होगी, आपको पता है इनकी क्षमता कितनी आ गई 1। अब 2 घंटे बाद चूंकि बंद हो रहा है सी, 2 घंटे बाद, तो आप एक बात बताओ 2 घंटे तक तो इन्होंने साथ में काम किया होगा ना, अब ये 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से निकाल रहा है पानी भर रहे हैं, मतलब यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर भर रहे हैं, तो आप ये बताओ 2 घंटे में कितना लीटर भरेंगे, तो आप कह दोगे 1 गुणा 2, तो 2 लीटर इन्होंने पानी भरा होगा। देखो वैसे भी निकाल सकते हो, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन, ये है क्षमता और ये है दिन, 2 दिन तक ये साथ में काम कर रहे हैं, अब यहाँ से सी चला गया, तो आप बताओ कि शेष जो वर्क बचा है वो कितना बचा, आप कहोगे शेष हमारे पास बचा हुआ है शेष पानी ही लिख लो या वर्क वर्क लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शेष पानी है वो 6 2 तो इन्होंने भर दिया, 4 लीटर हमें और भरवाना था, अब इसी को कौन भर रहा है, आप कहोगे इसे भर रहे हैं ए और बी, अगर इसे ए और बी भर रहे हैं, तो अगर मैं ए और बी की दिन निकालूँ तो कार्य बटे क्षमता, वो ये हमें क्षमता निकालनी है, क्योंकि हमें दिन तो दे रखे ना दिन कि 8 दिन में भरते हैं वो शेष पानी को, तो आपने कहा ए और बी की जो क्षमता आएगी, देखिए कार्य बटे क्षमता, अगर मैं क्षमता निकालूँ तो कार्य बटे दिन, तो इसके दिन कितने हैं 8, तो आप एक बार बताओ इस चीज़ को आप कैंसिल आउट करोगे तो इन दोनों की क्षमता कितनी आ रही है, आप कहोगे इनकी क्षमता आ रही है आधी। हमसे इसमें पूछा हुआ है कि सी अकेला कितने समय में उस टैंक को भरेगा, तो हमें पता होना चाहिए सी की क्षमता, आप ये बताओ इन तीनों की मिलाकर कितनी है, आप कह दोगे 1 है, और इन दोनों की कितनी है आधी है, तो आप ये बताओ सी की भी तो आधी होगी ना, तभी तो जाके 1 बनेगा, आधा और आधा 1, तो आप ये कह दोगे सी की जो क्षमता है वो कितनी है आधी, और आपको पता है ये नल कैसा है, आप कहोगे निकासी नल है, सॉरी हाँ ये तो सही है भरने वाला नल है, तो ये कैसा नल है भरने वाला, तो आप ये बताओ ये 6 लीटर पानी भराना है हमें, ये 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, आधा लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा है, तो आप बताओ अगर हम समय निकालें, समय बराबर होता है कितना, दिन बराबर होता है, आप निकालोगे कार्य बटे क्षमता, क्षमता कितनी है इसकी 1/2, अगर इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 गुणा 2 यानी कि 12, और अगर ये घंटे में है तो ये घंटे में आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूँ इस क्वेश्चन को आपको, कि हमें बोला था कि जो ए बी सी हैं वो किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, इसका मतलब ये तीनों भरने वाले टैंक हैं, तो मैंने कहा 6 घंटे में भर सकते हैं, उसके बाद इन्होंने बोला इसमें कि जो बी है सी है वो 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है या 2 घंटे बाद छोड़कर चला जाता है, तो हमने कहा कि चलिए 2 घंटे तक तो ये लगातार काम कर रहा होगा ना, अगर ए बी सी 6 घंटे में भर सकते हैं तो इसका एलसीएम भी 6 ही आएगा, आपने इन तीनों का रेशियो निकाला क्षमता का तो वो आया 1, यानी कि तीनों की कंबाइंड करके जो क्षमता है वो कितनी है, आप कहोगे 1 लीटर है, तो आप ये बताओ अगर ये 1 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं तो 2 घंटे तक ये काम कर रहा है साथ में, क्योंकि तब सी भागता है इसके बाद, तो 2 लीटर भर गया होगा, तो शेष कितना बचा, आप कहोगे 4 लीटर बचा हुआ है,
अब ये शेष 4 लीटर पानी ही ए और बी 8 दिन में भर रहे हैं, तो क्षमता बराबर कितना होता है कार्य बटे दिन। तो आपने कहा ए और बी की क्षमता कितनी है, हाफ यानी कि आधी है। तो आप ये बताओ ये आधा और ये आधा ही तो एक बनाएंगे, या आप निकाल भी सकते हो कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 कहोगे और उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो सी की वैल्यू कितनी आएगी, आधी आएगी। यानी कि सी जो है वो 1/2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा होगा, हमें भराना कितना है 6 लीटर, वो भी क्षमता कितनी है 1/2। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 12 घंटे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी 6 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं, हमने कहा ए और बी 6 घंटे में भर सकते हैं। आगे हमें दिया हुआ है कि बी और सी 10 घंटे में भर सकते हैं, हमने कह दिया बी और सी 10 घंटे में भर सकते हैं। आगे हमें बोला है कि ए प्लस सी यानी कि ए और सी इसे 15/2 घंटे में भर सकते हैं, तो आपने कह दिया 15/2 घंटे में भर सकते हैं। तो हमसे पूछा है तो तीनों मिलकर इसे कितने घंटे में भरेंगे, तो हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी से कितने घंटे में भरेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये टाइम एंड वर्क में ये बात बताई थी कि जब ए बी बी सी और ए सी के दिन दिए होते तो हमने एलसीएम तो लेना ही है क्योंकि हमें पूरे के दिन पता है। तो आप 6, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 30 आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30 और ये 15 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, लेकिन इस 2 की और मल्टीप्लाई होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक पूरी संख्या को किससे डिवाइड करते हैं, एक फ्रैक्शन से, यानी कि 15/2 से, तो ये 2 हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है। तो आप देखो 15 × 2 = 30 और ये 2 × 2 = 4, तो इसकी जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी जब यहाँ पर टाइम एंड वर्क में कि ए बी बी सी और ए सी अगर हमें पता होता तो इनकी अगर मैं तीनों की क्षमता निकालना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इन सबको जोड़ता हूँ, 5, 3, 8, 4, 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। अब मैंने बताया था आपको कि मैं डिवाइड क्यों कर लेता हूँ, अगर आपने टाइम एंड वर्क को देखा होगा तो आपको ये पता होगा, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए 2 बार आपका कौन आ रहा है, बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है और 2 बार ही ए आता है, इसलिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। अब आपको टोटल काम कितना कराना है, तो दिन निकालने हैं। तो ए बी सी जो दिन लगाएंगे या घंटे लगाएंगे वो कार्य, देखिए कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन। अगर हमें दिन निकालने तो क्षमता को, कार्य को हमें क्षमता से डिवाइड करना पड़ता है। तो टोटल कार्य कितना है आपको, 30 लीटर हमें पानी भराना है और ये कितना भर रहे हैं, 6, तो 6 × 5 = 30, यानी कि कितना टाइम लगाएंगे, 5 घंटे। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपने हमारा टाइम एंड वर्क की वीडियोस नहीं देखे तो मैंने टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करा दिया है 8 पार्ट में, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको रही हो इन क्वेश्चंस में तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी। जैसे हमें इसमें दिया हुआ है कि ए 2 घंटे में भरता है और बी 6 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं, तो हमें पता है कि जो ए है और एक बी है ये 2 घंटे में और ये 6 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। यदि 10 AM पर ए को खोला जाता, कितने बजे, 10 AM पर इसे खोला जाता है, यानी कि 10 बजे इसे सुबह खोला गया। आगे बोला गया है 11 बजे बी को खोला जाता है, तो 11 AM पर बी को खोला जाता है। तो पूछा हमसे कि टंकी कितने समय में भरेगी, तो कुछ बात कोई कुछ नहीं करना, हमने वही एलसीएम लेना, तो आपको भी 6 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 2 × 3 = 6, ये 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से और ये 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा, और ये टोटल आ गया आपकी 6 लीटर टंकी। तो आप ये बताओ 10 बजे से 11 बजे तक तो ए ने अकेले काम किया होगा, आपको क्या बिल्कुल किया होगा। तो जब 11 नहीं बजे थे, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे ये 10 थे और यहाँ पर है 11, तो ये जो 1 घंटे का गैप है यहाँ पर सिर्फ कौन काम कर रहा है, आप कहोगे ए, क्योंकि यहाँ पर आते ही ए और बी दोनों काम करने लग जाएंगे। क्यों काम करने लग जाएंगे, आप ये बताओ, जब 10 बजे थे तब ए को खोला गया था, तो ये 10 से 11 बजे तक इसने 1 घंटे तक अकेले पानी भरा होगा। अब 11 बजे चूंकि, तो बी को भी खोल दिया गया, तब अब ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो आप ये बताओ अगर ये 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा होगा तो इसने 1 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा, आप कहोगे ए ने, देखिए अगर मैं कार्य बराबर निकालूं तो क्षमता गुणा दिन या घंटे, तो क्षमता गुणा समय, समय कितना लिया उसने, क्षमता इसकी है 3 और समय है 1, यानी कि इसने 3 लीटर पानी तो कितनी देर में भर दिया होगा, आप कहोगे 1 घंटे में भर दिया होगा। अब बच गए आपके 11,
और 11 बजे ये दोनों साथ में काम करेंगे क्योंकि बी भी खुल जाता है अब। तो आप ये बताओ, 3 और 1 4 भर रहे होंगे और 3 लीटर इन्होंने पहले ही भर दिया है, तो शेष जो पानी बचा वो कितना बचा? आप कहोगे 6 में से 3 गया 3 लीटर, और ये 3 लीटर ही अब ये दोनों भरेंगे। तो आप ये कहोगे जो ए और बी दिन लेंगे, तो दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, तो कार्य है 3 और इन दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4, तो ये घंटे में है। ये किसमें है? घंटे में। तो आप ये बताओ, अगर ये घंटे में है, किसमें है? ये घंटे में, तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मिनट में। तो मैंने इसे 60 की मल्टीप्लाई कर ली, तो आप कहोगे 15, तो 15 3 45 मिनट और लगाएंगे। तो आप ये बताओ समय टोटल कितना लगा? तो आप ये जानते हो एक घंटा यहाँ लगा था, तो ये 11 बजे थे और 45 मिनट इसके बाद लगे, तो 11:45 मिनट पे पूरा पूरा टैंक ये भर गया होगा। तो आप कह दोगे जो टोटल समय आ रहा होगा वो आ रहा होगा 11:45 पर ये टैंक पूरा पूरा भर जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले अगर देख लेना कि ए अकेले कर रहा है या बी अकेले कर रहा है। जैसे इसमें 10 AM पर किसे खोला गया है? सिर्फ सिर्फ ए को। तो आपने कहा हमने ए को खोल दिया, और यहाँ पर किसको खोला गया है? 11 पर दोनों, क्योंकि बी भी खुल गया, ए को बंद थोड़ी किया। देखिए क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि बी को बंद किया गया है या ए को बंद किया गया है। तो आपको पता है कि जब 11 बजे तो ये दोनों वर्क कर रहे हैं, तो बस मैंने ये देखा कि जो ए है वो एक घंटे में कितना भर रहा है, आपको 3 भर रहा है, तो मैंने 3 घटा लिया, शेष बचा हमारा 3 लीटर, और इसी 3 को तो अभी दोनों मिलकर भर रहे होंगे। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में हमें कि ए 75/2 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। तो हमने बोला जो ए है 75/2 मिनट है, सॉरी घंटे में, मिनट में भर सकता है, और बी इसे, बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए अगर बी 45 मिनट में भरता है। तो इसमें बोला हुआ है ए 37 सही 1/2 यानी कि 75/2 घंटे में भर सकता है और बी 45 मिनट में भर सकता है। तो ठीक है, पहले बी का लिख लेते हैं कि जो बी है वो 45 मिनट में भर सकता है। ए 75/2 मिनट में भर सकता है और बी 45 मिनट में भर सकता है। आगे बोला हुआ है कि बी को कितने समय बाद बंद कर दें ताकि टैंक आधे घंटे में भर जाए। कितने घंटे में भरवाना है हमें? आधे घंटे में भरवाना है। तो आप एक बात बताओ मुझे, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको किस में कराया है? टाइम एंड वर्क में कराया है। देखिए सबसे पहले मैंने 75 और 45 का लेना है एलसीएम। तो आपको पता है कि 75 और 45 में मैं सबसे बड़े को 75 को लिख लेता हूँ। देखिए इस 2 से डिवाइड करके ये मत कहना कि ये तो 37.5 है, मुझे सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। तो 75 और 45 का मैंने 45 लिख लिया। अब आप बताओ 45 में ऐसा क्या कॉमन नहीं है जो 75 से नहीं कटेगा? तो आप कहोगे अगर मैं इसे 15 से काटूं तो 15 5 75 और 15 3 45, तो इसका 3 बचता है। तो आपने यहाँ पर 3 क्या लिख लिया? मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब देखो जब आप 75 × 3 को इससे भाग करोगे तो 75 से तो 75 कट जाएगा और ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा? 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भर रहा होगा। और 45 देखिए इसे काटे हम 3 से 45 बार में और ये 5 बार में ही आराम से कट जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा होगा और बी 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा होगा। अब ये बात बताओ, आप यहाँ पर इसे बोला गया है कि बी को कितने समय बाद बंद कर दें। तो आप ये बताओ, बी तो बंद हो रहा है, बंद कौन हो रहा है? बी को। हम किसको कर रहे हैं? बी को बंद कर। देखिए आधे घंटे का मतलब यहाँ मिनट में है, तो हम ये कह सकते हैं 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। तो 30 मिनट में भरवाना है हमें टैंक को। तो आप ये बताओ अगर बी बंद हो रहा है तो ए तो 30 मिनट तक काम करेगा या नहीं करेगा? तो आपको बिल्कुल करेगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1 3 7 21 और ये 22, यानी कि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है? आपका 225 लीटर पानी हमें भराना है। अब आप ये बताओ अगर ये जो है 30 मिनट तक लगातार काम कर रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि जो ए है वो कार्य निकालें, तो ए का कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय। समय कितना है? 30 मिनट। तो आप बताओ ये तो 180 लीटर पानी भरे देगा। कितना भर देगा? 180 लीटर पानी भर देगा। आप बताओ टोटल पानी बचा कितना? आपने कहा 225 था, मैंने 225 लिखा, उसमें से आपने 180 घटाया, तो आपका यहाँ बचा 5। आप बताओ 12 में से आपका 8 गया 4, 45 लीटर आपका पानी बच रहा है। और इसी को भरने के बाद, इसी को भरने के बाद आपके बी को कर दिया गया होगा बंद। तो अगर हम बात करें 45 लीटर जो पानी है वो बी कितने समय में भरेगा, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, क्षमता उसकी 5, तो 5 * 45।
यानी कि उसे 9 मिनट के बाद हमें बंद करना पड़ेगा, तब जाके कहीं टैंक 30 मिनट में भरेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं बोला था इसमें कि जो ए है वो 75/2 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है और जो बी है वो 45 मिनट में भर सकता है। तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी दोनों में एलसीएम मेथड पढ़ाया है, तो अब हमें ये पता चल गया जो टोटल हमारा पानी है वो 225 लीटर और जो ए है वो कितना भर रहा है, 6 लीटर/मिनट के हिसाब से भर रहा है और ये 7 लीटर/मिनट के हिसाब से भर रहा है। तो हमसे ये बोला है कि हमें बी को कितने समय बाद बंद करना है ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो आप ये बताओ बंद कैसे कर रहे हो आप? कहोगे बी को बंद कर रहे हैं, ए को थोड़ी कर रहे हैं। अगर मैं ए को बंद नहीं कर रहा हूँ तो ए तो 30 मिनट तक काम करेगा ना, तो ए काम करेगा कितना 30 मिनट में? तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन, यानी कि 180 लीटर वो पानी भर देगा। टोटल था आपका 250, 180 सिर्फ और सिर्फ ए भर देगा। क्यों भर देगा? क्योंकि वो 30 मिनट तक काम कर रहा है। बचा कितना? 45। और हमने क्या किया होगा, ये 45 लीटर भरवाने के बाद उससे बी को बंद कर दिया होगा। तो ये जो बी है वो 45 लीटर पानी कितने मिनट में भर देगा? आपको 9 मिनट में भर देगा। तो बस 9 मिनट के बाद हमें किसे बंद करना पड़ेगा? बी को बंद करना पड़ेगा और बाकी के जो भी समय बचेगा 21 मिनट का उसमें अकेले ही ए भरेगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आप मैथ आगे भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मंडे से फ्राइडे तक पूरी वीडियोज़ आपको देते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।